क्या आप लोगों ने रिसेंटली वो आर्टिकल देखा जो सीईओ ऑफ स्क्वेयर स्पेस से आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जेन जी जॉब सीकर्स को फ्री में काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लॉन्ग आवर्स काम करना चाहिए और कुछ भी करने के लिए विलिंग रहना चाहिए। अब हमारे जमाने में इसको वॉलंटियरिंग कहते थे, क्योंकि मुझे हमेशा ये सिखाया गया था कि अगर आप किसी चीज में अच्छे हो तो कभी फ्री में मत करो। लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग है, शे आम्बे की। क्या आपको याद है कुछ साल पहले जब एक मैसिव वेव ऑफ रेजिग्नेशंस आई थी 2021 में? फॉर एग्जांपल, सर्वे के ज्यादा से ज्यादा आधे लोगों ने कहा था कि वो 2022 में नए जॉब्स के लिए देखेंगे, और बहुत सारे लोगों ने अपना प्रॉमिस रखा, क्योंकि डेटा कहता है कि 2021 में 47 मिलियन लोगों ने अपनी जॉब्स छोड़ी थी, जो अब तक का सबसे बड़ा नंबर था। फिर आया 2022, जब इसे ग्रेट रेजिग्नेशन के नाम से जाना गया, जब 55 मिलियन से ज्यादा अमेरिकन ने अपनी जॉब छोड़ी। फिर 2023 में एक नई क्विटिंग वेव आई, जिसे क्वाइट क्विटिंग कहा गया। ये सिर्फ रेगुलर लोग नहीं थे जो अपनी जॉब्स छोड़ रहे थे, बल्कि सीईओज भी अपने पोजीशंस छोड़ रहे थे, जबकि उनका एवरेज सैलरी 16.7 मिलियन डॉलर थी। सीईओज लाइक यूट्यूब, बीपी, वॉलग्रीन्स भी अपनी पोजीशंस से रिजाइन कर रहे थे। और अब 2024 में हम इस ट्रेंड को देख रहे हैं, जिसे कुछ लोग ग्रेट रेजिग्नेशन 2.0 कह रहे हैं, क्योंकि तीन में से एक वर्कर्स अपनी जॉब छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। ज्यादातर ये लोग जेन जी और मिलेनियल्स हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, जैसे क्या हो रहा है, क्यों इतने सारे लोग अपनी जॉब्स छोड़ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, और क्या हमें अब भी 40 आवर वर्क वीक के लॉ को फॉलो करना चाहिए जो 1940 से चेंज नहीं हुआ? क्या आपको अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए? बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेटा हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम अभिषेक है, आप सबका स्वागत है। फाइनेंस के लिए आए हो और जॉब्स के बारे में सुनने के लिए रुके हो। ये वीडियो एक MIT न्यूरोसर्जन के वायरल होने वाले वीडियो से इंस्पायर्ड है, जो अपने 10 साल के करियर के बाद अपनी जॉब छोड़ देता है, जब वो स्पाइन और ब्रेन सर्जरीज कर रहा होता है। उसकी कहानी ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि कोई इतनी प्रेस्टीजियस जॉब क्यों छोड़ देगा, जब उसने इतने सालों तक काम किया और इतना पैसा कमाया। उसकी कहानी वापस जाती है 10 साल पहले, जब उसने एक ओथ लिया था न्यूरोसर्जन बनने का, और उसने देखा कि कुछ सर्जरीज लोगों की मदद करती थी, लेकिन ज्यादातर सर्जरीज लोगों की मदद नहीं करती थी। तो उसने अपने पेशेंट से उनके लाइफ के बारे में सवाल पूछना शुरू किया, जैसे उनकी जॉब क्या है, क्या वो स्ट्रेस्ड हैं, क्या वो एक्सरसाइज करते हैं, क्या वो हेल्थी खाना खाते हैं और कितना सोए हैं। उसने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी, जो लोग सर्जरीज के बाद रिकवर कर पाते थे, उनमें कुछ चीजें कॉमन थी। उनका मोस्टली प्लांट बेस्ड डाइट होता था, उनका लाइफस्टाइल हेल्थी होता था, एक्सरसाइज करते थे, स्ट्रेस कम होता था, और उनके पास एक अच्छा सोशल सपोर्ट सिस्टम होता था। जो लोग रिकवर नहीं कर पाते थे, उनका ऑपोजिट लाइफस्टाइल होता था, कम सोए हुए, अनहेल्थी डाइट, ज्यादा स्ट्रेस और कम एक्सरसाइज। उस न्यूरोसर्जन को रियलाइजेशन हुआ कि सर्जरी सिर्फ टेम्पररीली काम करती थी, जब तक पेशेंट्स अपनी लाइफ में इन चेंजेस को नहीं लाते। लेकिन सिस्टम ऐसा सेटअप है कि हॉस्पिटल्स को पैसा बनाने के लिए सर्जरीज और पिल्स चाहिए होते हैं। अगर एक डॉक्टर ने कोई ऐसी चीज डिस्कवर कर ली जो सर्जरी के बिना पेशेंट्स को ठीक कर सके, तो डॉक्टर अपनी जॉब से हाथ तो बैठेगा। जब उसको ये समझ आया तो उसने अपनी जॉब छोड़ दी।
और इस कहानी ने मुझे इंस्पायर किया क्योंकि मुझे पता है कि 20 साल तक एक चीज के लिए काम करना कितना मुश्किल होता है, और फिर ये रियलाइजेशन होना कि शायद ये वही चीज नहीं थी जो आपको करनी थी, ये थी। आज के डाटा के हिसाब से ज्यादा लोग आज अपनी जॉब्स छोड़ना चाहते हैं। सर्वेस कहते हैं कि 46% लोगों ने कहा कि वो जॉब स्विच करना चाहते हैं, जो ग्रेट रेजिग्नेशन के दौरान 40% से भी ज्यादा है। स्टैटिस्टा के सर्वेस ने बताया है कि लोग आजकल किन रीजन से जॉब छोड़ रहे हैं, जैसे लो पे, ज्यादा आवर्स और डिसरिस्पेक्ट एट वर्क। लेकिन ये सब नई चीजें नहीं है, लोग इन रीजंस की वजह से हमेशा जॉब्स छोड़ते आए हैं। रियल प्रॉब्लम काफी पहले से शुरू हुई थी 1940s में, जब 40 आवर वर्क वीक का लॉ पास किया गया था। तब प्रोडक्टिविटी काफी डिफरेंट थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, लेकिन वेजेस उतनी नहीं बढ़ी। जैसे जैसे टाइम बदला, पॉलिसीज और लॉज भी बदले, जिनके वजह से वेज ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के बीच का गैप बढ़ता गया। डीरेगुलेशन, ग्लोबल ट्रेड, ऑटोमेशन और गिग इकोनॉमी जैसी चीजों ने वर्कर्स के लिए वेज ग्रोथ और जॉब सिक्योरिटी को मुश्किल बना दिया। और पैंडेमिक के बाद लोग अपनी लाइफ और काम के बारे में नए तरीके से सोचने लगे हैं। सबसे बड़ा शिफ्ट जो मैं देखता हूं वो ये है कि लोग अब सिर्फ बिल्स पे करने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी जीने के लिए काम कर रहे हैं। लोग मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। इस वजह से आप और ज्यादा स्टोरीज सुनते रहोगे लोगों के जॉब्स छोड़ने की, और ये ट्रेंड बढ़ने वाला है। अगर आप अपनी जॉब से खुश नहीं हो तो ये जरूरी है कि आप एक सॉलिड प्लान के साथ मूव करो, इमरजेंसी फंड रखो, ताकि अगर आप जॉब छोड़ना चाहें तो फाइनेंशियली सिक्योर हो। स्टडीज कहती हैं कि जॉब स्विच करना, स्पेशली अर्ली करियर में, आपके इनकम बढ़ाने का सबसे फास्ट तरीका है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी जॉब छोड़ने का सोच रहे हो? क्या आप अब भी 40 आवर वर्क वीक को रेलेवेंट समझते हो? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आपको नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो में मिलता हूँ। सी यू सून, बाय बाय।